नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीजी जॉब 2.0 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाला है जिला रायगढ़ की तरफ से यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन जो है जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें कि कृषि संकाय वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो आप कृषि संकाय के अलावा कोई अन्य संकाय के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को जो है स्किप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है इसमें केवल जो है कृषि संकाय वाले कैंडिडेट के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर जो है अंत तक जरूर से बने रहिए दोस्तों, अगर आप कृषि संकाय के अभ्यर्थी हैं तो, और अगर नहीं भी है तो अपने जानकार जो भी फ्रेंड है या फिर किसी भी सर्कल में जो है आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिनको कि यह वीडियो हेल्पफुल हो सके दोस्तों। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में अवलोकन करते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र है जिला रायगढ़ में, बोईर दादर रायगढ़, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, में भर्ती यहाँ पर जारी हुआ है। तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और यह भर्ती जो है 25 अप्रैल 2023 को यहाँ पे जारी किया गया है। यह विज्ञापन संविदा नियुक्ति होने वाला है दोस्तों। तो इसमें चलिए अब हम यहाँ पर विज्ञापन का अवलोकन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आपको डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा दोस्तों, पंजीकृत डाक के माध्यम से 16 मई 2023 शाम 5 बजे तक आपको इसमें आवेदन करना होगा, ठीक है। तो इसमें डाक द्वारा आपको आवेदन करना होगा और महाविद्यालय में सीधे ही आपको इसमें आवेदन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। तो देख सकते हैं तकनीकी सहायक के पोस्ट है, जिसमें कि संविदा वेतन की बात करें तो 16,310 रुपया इसमें वेतन आपको दिया जाएगा दोस्तों, और केवल अनारक्षित में एक ही पोस्ट रिक्त है। और यहाँ पर दोस्तों, अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि यहाँ पे मांगा गया है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण है कृषि संकाय से तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आवेदन पत्र के साथ जो है सेल्फ अटेस्टेड सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको संलग्न करना होगा जब आप इसमें डाक के माध्यम से आवेदन करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है अपने जाति निवास और जो है मार्कशीट का फोटो कापी सभी को अटैच करना होगा, और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। और फोटो भी यहाँ पर लगने वाला है। आवेदन का प्रारूप मैं आपको वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है, और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं जो कि पात्र है दोस्तों। और इसमें आयु सीमा की बात करें तो जो है आयु सीमा 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु जो है आपको 10वीं का मार्कशीट इसमें अटैच करना होगा आयु संबंधी नियम हेतु। तो यहाँ पर इसका जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको फीस लगने वाला है। फीस की बात करें तो अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपये एवं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि रहने वाला है अधिष्ठता कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र रायगढ़ के नाम से, आपको डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनवाना होगा और उसको जो है डाक में अटैच कर देना होगा, ठीक है। और जो भी आप इसमें फॉर्म भरेंगे उसको स्पष्ट रूप से आपको फिलअप करना होगा। और यह जो पोस्ट है संविदा पोस्ट रहेगा, और इसमें आपका सिलेक्शन की बात करें कि किस प्रकार से आपका इसमें चयन होगा, तो चयन आपका मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि आपके जो क्वालिफिकेशन है उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें बनाया जाएगा, और उसी के आधार पर आपका चयन होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी इसमें दिया गया है, तो इसका अवलोकन आप जरूर से एक बार कीजिएगा दोस्तों। चयन हेतु जो है इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा, इस हेतु भी इसमें जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए जो है आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में। तो ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसी को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जो भी जानकारी इस फॉर्मेट में मांगा गया है उसको आपको फिलअप करना होगा बिना किसी काट छांट के, और जो है दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना होगा दोस्तों। इस पीडीएफ का जो डाउनलोड लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही इसमें और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।